सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फैंटेसी फॉर लाइफ के यूट्यूब चैनल पर। आई होप सब बड़े होंगे एंड अच्छे से विद भी कर रहेंगे। तो गाइस देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला ओडीआई खेला जाने वाला है अपना, उसके बारे में। तो गाइस देखो, वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कल कौन सी टीम जीत सकती है एंड कौन से प्लेयर है जिसको आप अपनी टीम में रखकर कल लाखों कमा सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो, तो वीडियो का एंड तक देखना है, जरा भी स्किप मत करना। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब बात करता हूँ मैच की। तो देखो, वेन्यू किस तरह बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच खेला जाने वाला है। एंड वहीं पर वेन्यू स्टेट्स वगैरह की बात करते हैं, इस वेन्यू पर 22 मैच खेले जहां पर 12 विन हुए फर्स्ट बैट करते हैं, देन सेकंड बैट करते हुए 10 मैच विन हुए। ठीक है, तो 50-50 रेशो समझ लो, बैटिंग फर्स्ट करते और बैटिंग सेकंड करते हुए। ठीक है, वहीं पर बात करें एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट करते हुए तो 247 के अराउंड यहां पर रन बनते हैं फर्स्ट बैट करते हुए। तो कहीं ना कहीं है ना, बैटिंग पिच है और कल के लिए भी यही होने वाला है। थोड़े बैट्समैन को अपनी टीम में रख के चल सकते हो एज ए ग्रैंड लीग वाइस कैप्टन, ग्रैंड लीग में भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो ओपनर्स को भी। ठीक है, वहीं पर बात करें रिसेंट मैच की तो इस वेन्यू पर 14 जनवरी 2020 को खेला गया, जो कि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच ही मैच था, जहां पर इंडिया ने 255 बनाए थे, 10 विकेट गिरवा दी थी। देन ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 258 बनाकर मैच विन किया था 10 विकेट से। वहीं पर बात करें विकेट की तो पेसर ने 7 विकेट निकाली थी और जो स्पिनर उसको 2 विकेट ही मिली थी। ठीक है, वहीं पर सेकंड मैच की बात करें तो 22 अक्टूबर 2017 को मैच खेला गया था, जो कि इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच ये मैच खेला गया था, जहां पर इंडिया ने 280 बनाए तो जो न्यूजीलैंड है उसने 284 रन बनाकर मैच विन किया था। ठीक है, वहीं पर विकेट की बात करें तो पेसर को 10 विकेट मिले थे और जो स्पिनर है उसको 2 विकेट ही मिले थे। वहीं पर थर्ड एंड लास्ट की मैच की बात करें तो 25 अक्टूबर 2015 को खेला गया था, जो कि साउथ अफ्रीका ने 438 रन बना दिए थे अगेंस्ट इंडिया और जो इंडिया ने 224 रन बना पाई थी, 10 विकेट भी गिरवा दी थी। वहीं पर विकेट की बात करें 10 विकेट पेसर को मिली थी, देन स्पिनर को 4 विकेट ही मिली थी। ठीक है, तो अगर तीन मैच को देखें तो भाई इंडिया काफ़ी दबाव मतलब काफ़ी कमजोर दिखी है। ठीक है, तीनों के तीन मैच में इंडिया हारी आगे मतलब ओडीआई मैच में। ठीक है, 2020 की बात नहीं हो रही है, ये जो मैच है वो ओडीआई मैच है। ठीक है, वहीं पर बात करें बॉलर इन थ्री मैच में क्या क्या है, तो स्पिनर को भाई यहाँ पर 8 विकेट मिली है तीन मैच में। ठीक है, तीन मैच में 8 विकेट मिली स्पिनर को, वहीं पर जो पेसर को 27 विकेट मिले। तो कहीं ना कहीं पेसर को हेल्प ज़्यादा करती है पिच, तो कल के जो मैच खेलोगे टीम वगैरह बनाओगे अपने मैच की, तो आई थिंक पेसर जो स्पिनर है उसको एक दो वीक स्पिनर लेकर चलना, वो भी जो क्वालिटी स्पिनर हो। ठीक है, अपनी टीम में बाकी पेसर को रख के चलना काफ़ी बढ़िया रह सकता है, एंड कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग में। बाकी बात करें अपनी फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को 5 विकेट मिली और जो सेकंड इनिंग में उसमें 3 विकेट मिली स्पिनर को। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में पेसर को 16 विकेट मिली और जो स्पिनर वो पेसर को सेकंड इनिंग में 11 विकेट निकाली पेसर ने। ठीक है, ये तो हो गया अपनी क्या टीम वगैरह। अब बात करते हैं अपनी पॉसिबल 11 और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। बट रिसेंट फॉर्म को बताने से पहले, अगर आपको इस मैच की ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की टीम चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपको टीम फ्री ऑफ कॉस्ट टीम प्रोवाइड की जाएगी। तब बात करते हैं अपने मैच की। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया एक तरफ से वॉर्नर और ट्राइसैट दोनों ओपन करते दिख जाएंगे, जहाँ पर वॉर्नर की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में रहे हैं पिछले ओडीआई के, ये जो रिसेंट फॉर्म है वो ओडीआई के, ये याद रखना। ठीक है, तो 106, 16 और 86, ठीक है, ये कुछ रन बना रहे थे वॉर्नर ओडीआई में जो पिछले मैच खेल के आए थे। वहीं पर ट्राइसैट की बात करें तो भाई इनके जो ओडीआई की रिसेंट फॉर्म की बात करूँ वो तो काफ़ी ज़बरदस्त है, बट जो रिसेंट फॉर्म जो है T20 और वो खेल का है, टेस्ट खेल का है, उसमें काफ़ी ख़राब फॉर्म में। ठीक है, कुछ स्कोर नहीं किया, तो आई थिंक अगर अपनी टीम में ड्रॉप करने का सोच रहे हो तो ड्रॉप करके चल सकते हो कल के मैच में। उनके बाद स्मिथ की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाले कल के पिक में, एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर लेना। ठीक है, उनके बाद मैक्सवेल देखने को मिल जाता है, ओवर आई थिंक ओवर करवाने के चांस कम है, बट बैटिंग से कुछ ना कुछ करके जा सकते हैं कल के लिए। ठीक है, वहीं पर उनके पास सोइनिस आते हैं, देन उसके बाद बात करें सी ग्रीन है, एलेक्स कैरी है, एगर है, देन यहाँ से मिचेल स्टार्क और जैम्पा और नथिन एल्स है। ठीक है, ये कुछ पॉसिबल 11 रह सकती है कल के लिए ऑस्ट्रेलिया की। अब बात करते हैं कल के लिए अवर कौन डालेगा पूरे। ठीक है, तो नथिन एल्स, जैम्पा और स्टार्क। ठीक है, तीन प्लेयर है, तीनों के तीनों आई थिंक 10-10 ओवर डालते हुए जा सकते हैं। देन उसके बाद सी ग्रीन, स्टोइनिस और जो मैक्सवेल और यहाँ से एगर। ठीक है, इन चारों के बीच में 20 ओवर बट सकते हैं कल के लिए, जो 20 ओवर बचेंगे वो ये चार जने डाल के जाएंगे कल मैच में। ठीक है, तो वहीं पर बात करें अब तो ये तो होगी अपने ओवर्स की, कौन ओवर ज्यादा 10 ओवर कौन डालेगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी इंपॉर्टेंट प्लेयर की जो अपनी टीम में रखने वाले, तो आई थिंक वॉर्नर स्मिथ, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट रह सकते हैं अपनी टीम में। वहीं पर मैक्सवेल की बात करें तो आई थिंक रखना थोड़ा बहुत सेफ रहेगा बैटिंग साइड से देखें तो। ठीक है, वहीं पर उनसे बात अलग बात करें तो स्टार्क्स, देन नथिन एल्स। ठीक है, ये कुछ पांच प्लेयर है जो अपनी टीम में रख के चलेंगे कल के लिए। अब एक प्लेयर की बात करें तो आई थिंक सी ग्रीन की तरफ जाना है, तो भाई एक
आपको ऑलराउंडर सक्सेस वो ऑलराउंडर परफॉर्म देखने को मिल सकते हैं सी ग्रीन की तरफ से। अगर जाना है तो इनकी तरफ भी जा सकते हो, अपनी लेना है तो अपनी टीम में, ठीक है। वहीं पर बात करें बेंच प्लेयर की, तो ये कुछ बेंच प्लेयर रह सकते हैं, शॉन मार्श है, लबुशन है, जेन इंग्लिश है और यहाँ से शेन अबाउट है, ठीक है। ये कुछ चार प्लेयर है जो बेंच प्लेयर में रह सकते हैं अगर इनकी तरफ इनकी जगह खेलते हैं कोई, जैसे शेन अबाउट से होगा और यहाँ से जे इंग्लिश होगा, ठीक है। अगर ये खेलते तो इंपॉर्टेंट बनने वाले कल के मैच में, अगर खेलते तो रिप्लेस कर लेना। बाकी बात करें इंडिया की, तो इंडिया की तरफ से गिल और किशन दोनों ओपन करते दिख जाएंगे, क्योंकि कल जो रोहित शर्मा है वो नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो ये गिल और किशन दोनों ओपन करेंगे, जहाँ पर गिल की बात करें तो कल के लिए मस्ट रह सकते हैं। वहीं पर किशन की बात करें तो भाई किशन का अगर देखो ओडीआई फॉर्म बताएं तो 17, 8, 5, 210, 10, ठीक है। एक इनिंग को छोड़ दे तो सब में अंडर 20 आउट हुए ओडीआई में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की जरूर है, बट है ना आई थिंक क्या है ना, जो भी कीपिंग सेक्शन की बात करें अपनी, तो उसमें एक किशन, एक केएल राहुल एंड एक एलेक्स कैरी, ठीक है, तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर एलेक्स कैरी और केएल राहुल थोड़े से लेट आएंगे, बट दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। जहाँ अगर बात करें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं एलेक्स कैरी को अगर रखना है तो उनको रख के चल सकते हो किशन की जगह, ठीक है। वहीं पर बात करें कोहली आएगा, देन उसके बाद सूर्य कुमार यादव है, केएल राहुल है, पांड्या है, देन यहाँ से जडेजा है, सुंदर है, सिराज है, मोहम्मद शमी है, देन यहाँ से मलिक है। ये पॉसिबल 11 रह सकते हैं इंडिया की। वहीं पर बात करें उन्हें टीम में कौन रखने वाले, तो देखो गिल किशन, ठीक है, किशन दोनों को रख के चलूंगा मैं अपनी टीम में। वहीं पर कोहली, ठीक है, ये तीन आई थिंक बेस्ट रह सकते हैं कल के लिए। वहीं पर भाई मैं वो सूर्य कुमार यादव इनको ड्रॉप करके चलूंगा, क्योंकि इनके जो ओडीआई फॉर्म देखे 14, 31, 4, 6, 4, 8, 9, ठीक है, ये कुछ रिसेंट फॉर्म रहे जब जब इन्होंने ओडीआई खेले, ठीक है। T20 के जरूर सबसे अच्छे प्लेयर है, बट जो ओडीआई की बात आती है तो भाई इनके थोड़े डाउन वो होते, जो रिसेंट फॉर्म वगैरह की बात करें तो इनकी गिर जाते, ठीक है। आई थिंक इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चलूँ कल के मैच में। वहीं पर केएल राहुल की बात करें तो 7, 64, 39, 8, 14, ठीक है, ये कुछ रिसेंट फॉर्म रही है ओडीआई में। वहीं पर पांडे कल के लिए बढ़िया रह सकते हैं, ओवर भी डालेंगे प्लस बैटिंग से भी कुछ ना कुछ करके जा सकते हैं कल के मैच में, ठीक है। जडेजा की बात करें तो भाई रिसेंट फॉर्म तो ठीक ठाक है, अगर ट्राई करना है तो ट्राई करके चल सकते हो अपनी टीम में, ठीक है। वहीं पर सुंदर आ जाते हैं, सुंदर का बात करें तो ऑर्थोडॉक्स बॉल डालते हैं, लेकिन है ना क्या है ना, पिच में थोड़ी भी स्पिनर को मदद नहीं है। और जो रिसेंट फॉर्म की बात करें 0, 2, 0, 1, 3, ठीक है, ये कुछ रिसेंट फॉर्म रही है, बट क्या है ना जो अपनी जो पिच है उसमें भाई स्पिनर के लिए मदद नहीं है, तो आई थिंक ड्रॉप करके चलना एक थोड़ा सेफ ऑप्शन रह सकता है। वहीं पर सिराज की बात करें तो मस्ट पिक रह सकता है, हमेशा इन्होंने पावर प्ले में विकेट निकाली, एंड कल भी ऐसा कुछ इनकी तरफ देखने को मिल सकता है। वहीं पर मोहम्मद शमी की बात करें तो मस्ट पिक रह सकता है अपनी टीम के लिए, ठीक है। उनके बाद उमरान मलिक की बात करें तो भाई इनके ना 6 से 7 ओवर आप इनके मान के चल सकते हो, इनसे ज़्यादा 10 ओवर आई थिंक मुश्किल ही है जो करवा पाएंगे उमरान मलिक, ठीक है। ये तो हो गया अपने पॉसिबल 11 और रिसेंट फॉर्म की बात। अब बात करें बेंच प्लेयर की, तो रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, देन यहाँ से चहल है, ठाकुर है, कुलदीप यादव और जयदाव उनक्कड़ है, ठीक है। ये कुछ बेंच प्लेयर रहने वाले, बल्कि उनमें क्या बात करें जयदाव उनक्कड़ और यहाँ से कुलदीप यादव, इन दोनों में से अगर खेलते हैं तो भाई कुलदीप यादव की बात करें तो अगर सेकंड बॉलिंग करें इंडिया, ठीक है, तो उस केस में आप कुलदीप यादव को रख सकते हो, आपके लिए बढ़िया पिक रह सकते हैं कुलदीप यादव। वहीं पर बात करें जयदाव उनक्कड़ को, अगर फर्स्ट बॉल करें इंडिया और खेलते हैं जयदाव उनक्कड़ तो खेलते तो भाई रख लेना अपनी टीम में, ठीक है। वहीं पर बात करें आपने किसकी, वेन्यू लीडर्स की, तो वेन्यू लीडर्स में दो ही प्लेयर है, जहाँ पर कोहली की बात करें 5 इनिंग में 265 रन बना रखे, 121 हाईएस्ट रन, 46 के एवरेज से रन बनाते, काफ़ी खतरनाक रहते अब अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलते, क्योंकि इनको पेस पसंद है, ठीक है, ये याद रखना। देन यहाँ से वार्नर की बात करें तो एक मैच खेला, एक मैच में 128 जड दिए थे अगेंस्ट इंडिया इसी वेन्यू पर, और 128 इनकी हाईएस्ट है, ठीक है। वहीं पर बात करें हेड टू हेड की, तो भाई 143 मैच हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वहाँ पर इंडिया ने 53 मैच जीते हैं, जैन ऑस्ट्रेलिया की बात करें 80 मैच जीत रखे ओडीआई में, ठीक है। वहीं पर 10 टाई हुए इनके बीच। वहीं पर बात करें हेड टू हेड लीडर्स की, तो हेड टू हेड लीडर्स की बात करें तो रोहित शर्मा आई थिंक खेल नहीं रहे, तो इनके बारे में बात करना कुछ बनता नहीं है, ठीक। वहीं पर विराट कोहली की बात करें 41 मैच में 2083 रन बना रखे, दस स्मिथ की बात करें 18 इनिंग में 1123 रन बना रखे, और वार्नर की बात करें तो 20 में 990। देन यहाँ से मैक्सवेल और यहाँ से पांड्या आ जाते हैं, पांड्या के बाद जडेजा आ जाते हैं, ठीक है। इन्हें पांड्या की बात करें तो 8 में 480, देन यहाँ जडेजा की बात करें तो 25 में 436 रन बना रखे इस वेन्यू पर, ठीक है। वहीं पर बात करें इंपॉर्टेंट कौन कौन बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट देखो एक तो कोहली आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, देन स्मिथ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, और यहाँ से डेविड वॉर्नर, ठीक है। ये तीन प्लेयर है जो आपके लिए कल के मैच में इंपॉर्टेंट बनेंगे वेन्यू लीडर्स की तरफ से। वहीं पर बॉलिंग की बात करें तो समी ने 18 इनिंग में 29 विकेट ले रखे इस वेन्यू पर, ठीक है। वहीं पर जडेजा की बात करें तो 34 में 28 विकेट निकाल रखे। वहीं पर जैम्पा की बात करें 16 में 27 विकेट निकाल रखे, और जो कुलदीप यादव उसने 16 में 23 विकेट निकाल रखे। वहीं पर बात करें
मिचेल स्टार्कशीप तो 23 में 17 विकेट इन्होंने भी निकाल रखे इस वेन्यू पर, ठीक है। वहीं पर चहल की बात करें तो 9 में 16 इन्होंने भी निकाल रखे। वहीं पर बात करें इंपॉर्टेंट कौन कौन बंदे, तो भाई आई थिंक समी, देन यहाँ से जैम्पा और भाई को जडेज, ये सॉरी मिचेल स्टार्क, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट बनते कल के मैच में। अब बात करते हैं अपनी टीम की, ये तो हो गया अपने पॉसिबल 11 वगैरह और रिसेंट फॉर्म, ठीक है। अब बात करता है कि कल के लिए अपनी टीम कौन सी हो सकती है। सो अब बात करता है अपनी स्मॉल लीग टीम की, तो देखो किशन को मैंने रखा, आप चाहो तो एलेक्स कैरी और केएल राहुल के साथ भी जाने तो जा सकते हो, ठीक है। वहीं पर बात करें बैट्समैन की, तो देखो वॉर्नर है, देन कोहली है, यहाँ से स्मिथ और गिल, ठीक है। 4 बैट्समैन मैं लेके चलो, आई थिंक चारों के चारों फिक्स है अभी के लिए, ठीक है। वहीं पर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैक्सवेल और हार्दिक पांड्या दो ही ऑलराउंडर लेके चला हूँ मैं अभी के लिए। वहीं पर बात करें आप एक जो मैक्सवेल की बात करें, तो मैक्सवेल की जगह एक मार्कस स्टोइनिस आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, उनको ट्राई करना है तो उनको भी ट्राई करके चल सकते हो अपनी टीम में, क्योंकि पेसर को ज़्यादा हेल्प है इस वेन्यू पर, ठीक है। वहीं पर बात करें बॉलर्स की, तो स्टार्क्स है, मोहम्मद शमी, देन सिराज है, और यहाँ से नाथन एल्स है, ठीक है। ये कुछ अपनी टीम रह सकती है कल के मैच में। वहीं पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, तो विराट कोहली कैप्टन, देन वाइस कैप्टन मैंने स्मिथ को किया। आप चाहो तो यहाँ से डेविड वॉर्नर की तरफ भी एक ऑप्शन है बढ़िया एज ए वाइस कैप्टन जाने के लिए, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।